आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में नितेश जी का फीडबैक शेयर कर रहे हैं उनकी डॉक्टर रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शन के साथ। आइए सुनते हैं उन्होंने अपनी टिनाइटिस की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया। नितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना फीडबैक देने के लिए। सर आपकी उम्र कितनी है? 32 है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पुणे से हूँ। ओके नितीश जी, आपको कब से टिनाइटिस का प्रॉब्लम है और आपको कुछ कारण पता है कि वो दिक्कत आपको शुरू कैसे हुई? मुझे 7-8 साल से था। ओके। और आवाज ज्यादा लाउड नॉइज के अंदर चला गया था तो ये हो गया। ओके तो आपने डेफिनेटली डॉक्टर्स को दिखाया होगा, तो डॉक्टर्स का क्या व्यू था आपकी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड? डॉक्टर्स ने तो बोला था कि ये ठीक नहीं हो पाएगा। ओके ठीक है। और आपको इस आवाज की वजह से और क्या क्या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी? सिर्फ आवाज ही थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। बाकी की आवाजें मतलब बैकग्राउंड में जो आवाज आती थी वो बहुत ब्लर होके आती थी। ओके ठीक है। तो आपने जब हमसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो कैसे प्रोग्रेस था और अभी फिलहाल कैसा कंडीशन है सर आपका? ट्रीटमेंट से तो मुझे काफी फायदा हुआ। ओके। 1-2 महीने में ही फायदा हो गया मुझे। अभी आवाज वगैरह भी नहीं है। ओके सो अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो अभी कितना परसेंट आपको रिलीफ है आउट ऑफ 100%? 95% तो रिलीफ है मुझे। ओके सर, आपको हमारे ट्रीटमेंट से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। ओके कंफर्टेबल था सर यूज करना? ओके सर। सर जैसे आपको पता है कि आपके जैसे बहुत सारे टिनाइटिस के पेशेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, तो क्या आप उन्हें कोई मोटिवेशन मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं उनसे कहूंगा कि ये थेरेपी उन्होंने ले लेना चाहिए। ओके। इससे फायदा भी हो जाता है तो ये ठीक रहेगा टिनाइटिस के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। सर क्या मैं आपका ये वीडियो फीडबैक यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? हाँ ठीक है, डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्लर कर देना फेस। जी जी, मैं आपका फेस ब्लर करा दूंगी सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।